बवाल कुछ भी नहीं हुआ, हम अपने जाति के लोग इकट्ठा आए थे। अब जब इकट्ठा आते हैं तो छोटा बड़ा कुछ ना कुछ तो होते रहते हैं। घर में अगर पांच लोग, अरे बाबा साहब की फोटो लगाई वहाँ पे, अगर आप कहते हैं वहाँ बैनर लगा है, वहाँ बाबा साहब की फोटो नहीं है। अगर आप ऐसा कहते हैं तो बाबा साहब की फोटो हर एक के दिल में है। बाबा साहब ने ही सबसे पहले जयंती करी 1953 में, 555वीं जयंती दिल्ली में सार्वजनिक तौर पर बाबा साहब ने करी। लेकिन यहाँ जो अधिवेशन लेने वाले जो लोग थे वो एकदम नए बच्चे थे, जवान बच्चे थे, उनके दिल में जो होश था, जोश था, उन्होंने बोला या उन्होंने सोचा कि चमार अधिवेशन है, इसलिए वो कोई बैनर पर खाली चर्मकार लोगों के ही महापुरुष का फोटो था। चमार अधिवेशन, इसका संदेश तो ठीक गया है कि चमार भी बैठना सीख गए और चमार भी ऐसी जगह स्टेडियम में, ताल कटोरा स्टेडियम में अपनी अपना सम्मेलन करना सीख गए, तो पूरा संदेश गया है। पहले तो चारपाई पर बैठ करके या गली में बैठ करके करते थे, आज जो है ना हम ये क्या कहो, थोड़े घमंड की बात है हमारी, गौरव की बात है कि भाई आज हम ताल कटोरा स्टेडियम में अपना सम्मेलन कर रहे हैं और इतनी पब्लिक आई है जो सब तरह के जो है ना विचार प्रकट किए हैं, ये क्या कोई कम है? कोई भी करवाए, करा तो हम लोगों ने है, आरएसएस करवाए, विचारधारा टकराएगी, विचारधारा कोई टकराएगी नहीं। अंबेडकरवादी विचारधारा के सामने कोई विचारधारा नहीं टकराएगी। फोटो लगाया नहीं आपने, फोटो लगाए ना लगाए, अंबेडकरवादी विचारधारा के सामने कोई विचारधारा नहीं टकराई। यहाँ कहाँ अंबेडकर था? छोड़िए आप, इस बात को नहीं था, वो नहीं लगा, नहीं लगाया कोई बात नहीं, पर दिलों में सबके हैं, दिलों में सबके हैं। अंबेडकरवाद जो है वो जीतेगा, हर हालत में जीतेगा, ऐसा कभी हो नहीं सकता। अब अभी मेरी बात सुनिए, अभी मेरी बात सुनिए, तू इधर उधर की ना बात कर, ये बता ये काफिला क्यों लुट रहा है? जिस समाज के इतने लीडर हो, इतने रहबर हो, वो समाज क्यों पिट रहा है? क्यों पिट रहा है बताइए मुझे। बाबा साहब को भूल गए आप? नहीं, हम नहीं भूलेंगे। अब तो फोटो कहाँ लगाई आप? अरे फोटो की बात छोड़ दीजिए, फोटो लगाते बाबा साहब, छोटू की बात छोड़ दीजिए, जो फोटो लगाता है वो केजरीवाल लगाता है, और नहीं जो हम लोगों को धोखा देता है, हम लोगों को धोखा देता है केजरीवाल, बाबा साहब का फोटो लगा करके हम लोगों को धोखा देता है, जितने दलित और बहुजन समाज के लोग हैं, फोटो लगा करके केजरीवाल, मोदी जी भी फोटो लगाते हैं बाबा साहब की, बाबा साहब की फोटो लगा, ये बाबा साहब का कि वो उसमें चले नहीं और दलितों का और बहुजनों का उद्धार करे नहीं और फोटो लगाए, फोटो लगाए, अरे दीवाना, दीवाना कैसे दीवाना कह सकते हो आप उनको, कैसे दीवाना? सात उसके राज्यसभा के मेंबर हैं, एक भी कोई दलित है? अरे सारे दलित, अरे दलित है, बाबा साहब का फोटो लगा करके क्या 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 होगा? ऐसे थोड़े, ये बेवकूफ बनाने वाली बात है, ये दलितों को तो पागल ही समझते हैं ये लोग सब, दलितों को तो यही समझते हैं, दलितों को यही समझते हैं, दलित पागल नहीं है लेकिन ये समझते हैं ये लोग। बवाल कोई नहीं हुआ, जो आप बवाल होगा ऐसा बोलना चाहते हैं, ये जो ऑर्गेनाइजर वाले जो लड़के थे वो हमारे सरीके जवान लड़के थे, 20-25-25-30 उम्र के, और उन लोगों ने पहली बार ये अधिवेशन किया और वो ये कह रहे थे कि चर्मकार अधिवेशन है, इसलिए बाकी किसी का फोटो नहीं रखा, रविदास जी का फोटो रखा, लेकिन कुछ लोगों ने उनको रिक्वेस्ट करने के बाद बाबा साहब का भी उसमें फ़ोटो लगाया गया, और जब उन्होंने, ये सब नए लोग हैं और नए लोगों में से कुछ गलती होती है, और उन्होंने आखिर तक माफ़ी भी मांगी है और उन्होंने कबूल किया कि हमारे से गलती हो गई, हम समाज से माफ़ी मांगते हैं। केजरीवाल वो बहका करके ले गए, भाई साहब फुसला करके ले गए, आप जो है ना सीधा सवाल करिए, सीधा सवाल करिए, हम लोग नहीं बहकते, कुछ लोग हैं हमारे बीच में जो हमारे ही समाज के हैं वो बहक जाते हैं। कार्यक्रम में बताया गया कि बीजेपी के विचारधारा के लोग आए हैं आज, ये गलत बताएगा, षड्यंत्र फैला दिया। जय भगवान गोयल कौन है, बहुजन समाज पार्टी से क्या? भाई बहुजन समाज में है, बहुजन समाज पार्टी से ना हो, गोयल बहुजन समाज के, गोयल, अरे गोयल, गोयल हो या कोई जैन हो चाहे कोई भी हो, अगर यहाँ आएगा तो बहुजन समाज के रंग में रंग जाएगा। हैं? अरे चाहे कहीं का भी, वो विश्व हिंदू परिषद को छोड़ नहीं सकते क्या? बहुजन समाज में नहीं आ सकते क्या? आ नहीं सकते क्या बताइए आप? ये जो क्वेश्चन कर रहे हैं आपका क्वेश्चन ही गलत है, कल तक गोयल वो विश्व हिंदू परिषद की विचारधारा में, तो आज हमारी विचारधारा में आ गए? अरे वो छोड़ो ना यार, उसमें जो हमने अपने, एक मिनट, हाँ दिल्ली में चमार अधिवेशन हुआ
और पूरे दिल्ली में नहीं, पूरे ये नेशनल लेवल का अधिवेशन था और नेशनल लेवल का अधिवेशन पहली बार हुआ। बहुत सारे इस अलग अलग राज्य के इस अधिवेशन में लोग पधारे हैं। आप कौन से राज्य से हैं सर? मैं महाराष्ट्र से हूँ, राष्ट्रीय गुरु रविदास क्रांति मोर्चा का मैं प्रदेश अध्यक्ष हूँ। यहाँ दिल्ली के लोगों ने जो अधिवेशन किया है, मैं सभी का साधुवाद करना चाहता हूँ, सभी का अभिनंदन करना चाहता हूँ और सभी को शुभेच्छा देना चाहता हूँ कि पूरे भारत में पहली बार कोई चर्मकार कम्युनिटी का अधिवेशन हुआ और बहुत अच्छी तरीके से ये अधिवेशन यहाँ पे हो पाया। जगजीवन राम भी चमार है, इसलिए उनको वहाँ पे रखाया गया। उसमें कांशीराम साहब का भी फोटो था, उसने उसके बाद में रविदास जी का भी फोटो था और जितने भी सारे लोग थे वो चर्मकार कम्युनिटी से थे। लेकिन बहुत विरोध झेलना पड़ा है आज आपको? हाँ, बहुत विरोध झेलना पड़ा है। विरोध झेलना, देखो, एक आप पहला ये बात बोलते हैं कि बहुत आपको विरोध झेलना पड़ा, फिर आप ये क्यों नहीं कहना चाहते हैं कि पूरे भारत में चर्मकार कम्युनिटी का पहला अधिवेशन पूरे भारत के लेवल पर हुआ, उसके बारे में आप नहीं जहाँ बोलते हैं, और जो बात पर बवाल हुआ उसके बारे में आप लोग बात करते हैं और पूरे सोशल मीडिया के द्वारा देश में बताना चाहते हैं कि बवाल हुआ। अरे भाई, मैंने इसके पहले क्या बोला कि जिन लोगों ने ये अधिवेशन ऑर्गेनाइज किया, जो मंजित मेरा गाना गा रहे थे बाबा साहब के लिए, उसको भी धक्का मारा गया स्टेज पर? नहीं नहीं, ये गलत बात है, उसके बारे में मालूम नहीं मेरे को, उसके बारे में नहीं, उसके बारे में नहीं, झूठ है। अगर कोई बोलता है गाली बकी, ये गलत बात है। मैं बाबा साहब को मानने वाला व्यक्ति हूँ और बाबा साहब का बच्चा हूँ। मैं महाराष्ट्र से आता हूँ। बिल्कुल सही बात है, जो आप बोलते हो वो आपकी सोच है, जो आप नहीं ऐसा कहा जाता है ये तो पेपर वाला, अगर आप ऐसे कहोगे तभी तो आपको एफआईआर नहीं होगा ना, सोशल मीडिया पर आप लिखोगे तो। ऐसा कहा जाता है, ये जो बात है ये पेपर की बात है, प्रिंट मीडिया की बात है, आपकी बात है, हम नहीं कहते। आप एक का नाम लेके बोलो, एक व्यक्ति का नाम लेके बोलो, हम उसके ऊपर एफआईआर करेंगे। और आप जो बोलते हैं बाबा साहब को बेचा या और कुछ बोलते हैं, ये जो बेचा और नहीं बेचा, आज जितना भी लोग है वो बाबा साहब की वजह से है। महाराष्ट्र के लोग यूपी में आते हैं सरकार बनाने, वहां से एक विधायक नहीं बनता, यू क्या चक्कर है? महाराष्ट्र के तमाम नेता जो अंबेडकर वादी हैं यूपी में सरकार बनाने आते हैं अपनी। हाँ, बराबर। महाराष्ट्र में उनसे एक विधायक पार्षद नहीं जीता जाता, यू क्या चक्कर है? कौन बोलता है एक विधायक नहीं जीता जाता? क्यों नहीं? अरे इसके पहले दिल्ली में चार एमएलए महाराष्ट्र से थे, गवई था, एमपी थे, गवई था, प्रकाश अंबेडकर साहब थे, अठावले साहब थे और दूसरा एक व्यक्ति था। ऐसे कैसे बात करते हो? अरे अभी क्या हाल है? तो ये जो हाल बनाया है ये ईवीएम के द्वारा बनाया है। अभी ईवीएम के द्वारा 8 अक्टूबर 2013 को जो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया ईवीएम के संदर्भ में, आप सोशल मीडिया पे चलाते हो, तो क्या आपने सोशल मीडिया के द्वारा 8 अक्टूबर 2013 का जजमेंट बताया किसी को? आपने बताया कभी किसी को? नहीं बताया। अब आप बताया ही नहीं तो लोगों को क्या पता चलेगा? जो मीडिया है, सोशल मीडिया अगर छोड़ा जाता है तो इस देश में कौन सा मीडिया बहुजनों का है? आज कोई है मीडिया बहुजनों का? हारने के बाद ईवीएम पे ठीकरा फोड़ देते हो? कौन बोलता है हारने के बाद? यहाँ भी ईवीएम का हुआ है, दो विधानसभा में पूरी की पूरी सीट केजरीवाल की है और 7 विधानसभा जो है वो सभी के सभी बीजेपी की है, और यहाँ 37 सीट पर मिलान नहीं हुआ है। राजस्थान में क्या हुआ? कौन से राजस्थान में? राजस्थान में कौन जीता? कब जीता? वहाँ कांग्रेस जीती ना, वहाँ ईवीएम ने काम नहीं करा। तो कांग्रेस ने ही तो ईवीएम को लाया, कांग्रेस ने ईवीएम को लाया। सही बात है। जब ईवीएम के संदर्भ में संसद में प्रस्ताव रखा गया, वो प्रस्ताव अभिषेक मनु सिंघवी ने लाया, उसको अनुमोदन जो है वो कम्युनिस्ट वाले ने दिया, अटल बिहारी वाजपेयी ने दिया, सभी जगह ईवीएम से जीते भाई, ईवीएम के द्वारा। सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है, आप सुप्रीम कोर्ट को मानते हैं कि नहीं मानते? अगर सुप्रीम कोर्ट को मानते हैं, 8 अक्टूबर 2013 का जजमेंट है, उसके बारे में आप सोशल मीडिया पर कितना लिखते हो, कितना लोगों को, कॉमन लोगों को बताते हो? कुछ भी तो बताते नहीं। जब आप बताओगे तभी तो लोगों को पता चलेगा। 8 अक्टूबर 2013 को ईवीएम के द्वारा होने वाला चुनाव फ्री, फेयर और ट्रांसपेरेंट नहीं हो सकता है, इसलिए उसको वीवीपीटी पैड लगाना चाहिए, ऐसा सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है। वो
जजमेंट आज तक 2013 से लेकर 2023 आज हुआ है, 10 साल में कोई नेशनल मीडिया में नहीं आया, टीवी पर जो हमारे चैनल चलते हैं, जो प्रिंट मीडिया है उस पर नहीं आया है, ना सोशल मीडिया पर आपने आया है। अभी जो हम बोल रहे हैं या कुछ लोग जो सोशल मीडिया के हैं वो बोल रहे हैं, वो तभी सरकार को पता चला। आप लोगों को पता है 2018 में भारत मुक्ति मोर्चा ने सुप्रीम कोर्ट में एक केस डाला था, उसकी वजह से VVPT पैड के बाजू में वो VVPT पैड की मशीन लगाई, वो हमारी वजह से लगी है। वो तो कोई पेपर में नहीं आया, टीवी पर अखबार पे नहीं चलाया, टीवी पर पेपर में बात में नहीं आई, उसके ऊपर ना संपादक ही आया, ना उसके ऊपर डिबेट डिस्कशन हुआ, कुछ बताते ही नहीं है, तो हमको कैसे, लोगों को कैसे पता चलेगा। हम लोग बहुजन मुक्ति पार्टी से नहीं है, मैं राष्ट्रीय गुरु रविदास क्रांति मोर्चा का प्रदेश का महाराष्ट्र हूँ, जो चर्मकार कम्युनिटी से आया हूँ, और चर्मकार कम्युनिटी का यहाँ अधिवेशन था, इसलिए हम लोग हाँ राजनीतिक पार्टी को हम कोई पार्टी के राजनीतिक सपोर्ट नहीं करेंगे, क्योंकि वोट डालते हैं, वोट डालना तो हमारा अधिकार है, और वोट किसको डालते हैं ये बोलने का अधिकार थोड़ी हमारा है, वो तो गुप्त होता है ना। कांग्रेस से परेशान हो, आम आदमी पार्टी से परेशान, तो किसकी सरकार? हम लोग तो इसी की सरकार बनाना चाहते हैं जो हमारे बहुजनों की हो, जिसमें SC ST OBC हो और ब्राह्मण बिल्कुल ना हो, ऐसे बहुजनों की पार्टियां सब इकट्ठा आना चाहिए और उन लोगों ने सरकार बनाना चाहिए, तब हमारी सरकार बनेगी, वो हमारी सरकार होगी। ऐसा कोई ब्राह्मण नहीं है जो कोई पार्टी में नहीं, इसलिए तो हमारे देश का सत्यानाश हो रहा है। 76 साल हो गए आज़ादी के बाद, हम आज़ादी के 76 साल में है, और 76 साल के अंदर आज भी हमारे लोगों को 2 रुपये किलो गेहूं के लिए, अनाज के लिए लाइन लगाना पड़ता है, हमारे लोग अतिक्रमण में रहते हैं, हमारे लोग अतिक्रमण में घर बनाते हैं और सरकार उसको तुड़ाती है। आज़ादी के 76 साल में अन्न वस्त्र निवारा आरोग्य शिक्षण रोजगार, ये 6 बातें जो है वो अभी तक सरकार हमको नहीं दे पाई है, तो हम लोग क्या क्या होगा जब तक, ठीक है, ठीक है, धन्यवाद। संविधान क्या कर रहा है फिर?